नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में। जी हां भक्तों, मैं आज आपके लिए जो कारगर टोटका लेकर आया हूं ना, ये टोटका है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में दुश्मन को लेकर चिंता में रहते हैं। देखिए, कहते हैं ना, दुश्मन जो होता है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये दुश्मन कब किसके कैसे बन जाए ये कहा नहीं जाता। आपके अपने हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया, जिस व्यक्ति के अंदर मैं आ गई, वो इंसान दूसरों का कभी भला नहीं चाहेगा, और ऐसे में वो इंसान हमेशा आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप भी इस तरह के चंचालों से परेशान हो चुके हैं, आपका शत्रु बहुत ताकतवर है, विरोधी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मेरी आज की वीडियो आपके विरोधियों शत्रुओं को खत्म करने के लिए है, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके काम बनेंगे, दुश्मनों का विनाश होगा। तो क्या करना होगा इसके लिए? कारगर टोटका है, इसका जाप करना है आपने, इस टोटके का इस्तेमाल करना है और रिजल्ट पाना है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आने वाली है। अगर पहली बार पहुंच रहे हैं प्राचीन मंत्र रहस्य चैनल पर, तो देखिए भक्तों, यहां पर मिलता है परमानेंट सॉल्यूशन। आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं तो समस्या हमारे पास है। आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लें, हर रोज एक वीडियो लेकर आते हैं जो गारंटेड समाधान देते हैं। भक्तों, हमारा टोटका कभी फेल नहीं होता। ये वो टोटका है जिसका इस्तेमाल करके आप प्राचीन काल के तरीके जानकर आप किसी भी शत्रु को खत्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई शत्रु विरोधी ना हो। कई बार शत्रु आपके लिए ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, इसके लिए उनको शांत रखना ही सुखी जीवन के लिए जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आरती के जरिए कैसे आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, पहला उपाय जो है भगवान शिव की उपासना। देखिए, नित्य आपने प्रातः काल में शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करनी है। इसके बाद आपने शिव जी को दुर्वा अर्पित करनी है, दूब होती है जो, वो दुर्वा अर्पित करनी है। इसके बाद अपने शिव मंदिर में घी का दीपक जला कराना है और ओम नमः भगवते रुद्राय का आपने यथाशक्ति से जाप करना होता है। यह प्रयोग लगातार आप 11 दिनों तक करें, आपको शत्रु जो भी कितना भी आपको परेशान कर रहा हो उससे आपको मुक्ति प्राप्त मिलती है, मेरा यह वादा है आपसे। बहुत कारगर टोटका है ये। एक कारगर टोटका और भी है, श्री नरसिंह का ये उपाय है, तो बहुत कारगर है ये भी। आपने क्या करना है, भगवान नरसिंह के चित्र की स्थापना करनी है सबसे पहले, और उसके बाद आपने क्या करना है, रोज गोधुली वेला में भगवान नरसिंह की पूजा करनी है। भगवान नरसिंह को अपने लाल फूल अर्पित करके के बाद आपने क्या करना होगा, उनके मंत्र का यथाशक्ति से जाप करना। मंत्र कौन सा है उनका, मंत्र बता देता हूं मैं आपको। इस मंत्र का आपने बोलना होगा, इससे आपके दुश्मनों से मुक्ति प्राप्ति मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए आपका शत्रु खत्म होगा। देखिए मंत्र को होगा, ओम नरह नरसिंहाय शत्रुभुज बल विद्याय स्वाहा। इस मंत्र को आप ध्यान पूर्वक बोलिएगा, कारगरता के साथ काम करेंगे तो आपका एक भी शत्रु नहीं बचेगा। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें मन ही मन जाप कीजिए और शत्रुओं का नाम बोलकर आपने ये मंत्र बोलना होता है भक्तों। तो इतना सा कारगर टोटका करते ही रिजल्ट आपके सामने मिलेगा भक्तों, आपकी हर एक मनसा पूर्ण होगी, काम आपके बड़े जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार इस टोटके का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आपको इससे फायदा देखने को मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ महान बाबू जी का नंबर है भक्त, जिससे कि अपनी हर एक समस्या का समाधान आप प्राप्त करवा सकते हैं, अपनी हर एक जानकारी प्राइवेट रखवा सकते हैं। तो जल्द नए टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कॉल जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कर देना।